क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग लैड हिंदी। और आज के इस वीडियो पे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग एक प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग यूज़र से ये कहेंगे कि आप एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर कीजिए, और जब यूज़र वो कैरेक्टर को एंटर करता है तो उस इनपुट के हिसाब से हम लोग ये कहेंगे कि यूज़र ने अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर किया है या फिर लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर किया है। यहाँ पे इस ट्यूटोरियल पे इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करूँगा। आप लोग सेम प्रोग्राम को C++ में भी लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। और स्विच स्टेटमेंट के अंदर केसेस के जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को यूज़ करने के बजाय मैं एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा। और C++ में भी आप लोग ऐसे प्रोग्राम को लिख सकते हैं, इस लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सिंपल प्रोग्राम का स्केलेटन को राइट किया है। मैंने यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल को मेरे इस प्रोग्राम पे इंक्लूड किया है, ताकि हम लोग printf, scanf ऐसे कुछ और फंक्शंस को अगर चाहे तो इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और बाद में यहाँ पे मैंने इस मेन फंक्शन को क्रिएट किया है, और ये जो मेन फंक्शन है ये हमारे इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जो हमें चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग कैरेक्टर वैल्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे एक कैरेक्टर वेरिएबल की ज़रूरत है जो यूज़र जो कैरेक्टर को एंटर करता है उसे स्टोर करने के लिए। तो उसकी वजह से मेरा वेरिएबल का डेटा टाइप होगा कैर, और मैं इस वेरिएबल को नाम दूंगा CH, ठीक है। तो अभी मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यूज़र के लिए एक मैसेज को प्रिंट करूंगा जो ये कहता है कि आप प्लीज़ एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर कीजिए। और उस मैसेज को प्रिंट करने के लिए मैं printf फंक्शन को यूज़ करूँगा, और इस printf फंक्शन के अंदर मैं मैसेज लिखूँगा, और मेरा मैसेज होगा प्लीज़ एंटर एन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन को इंसर्ट करूँगा ताकि हमारा प्रोग्राम जब हम लोग रन करेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखे, सब कुछ नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो यहाँ पे अभी हमने मैसेज को डिस्प्ले किया है, तो इस मैसेज को देखने के बाद यूज़र एक कैरेक्टर को एंटर करेगा। तो उस कैरेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसे हम लोग इस CH वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। उसके लिए मुझे स्कैनर फंक्शन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं scanf फंक्शन को यूज़ करूँगा। और इस फंक्शन के अंदर क्योंकि हम लोग एक कैरेक्टर वैल्यू को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %c, और बाद में मुझे यहाँ पे इस CH वेरिएबल का एड्रेस को देना पड़ता है, क्योंकि इस scanf फंक्शन को काम करने के लिए हमें वेरिएबल्स का एड्रेस को देना है। और यहाँ पे हम लोग इस CH वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं जो वैल्यू हम लोग रीड कर रहे हैं उसे। जब हम लोग इस ampersand सिंबल को वेरिएबल्स के साथ यूज़ करते हैं तो हमें उस वेरिएबल का एड्रेस मिलता है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस एंड CH या फिर ampersand CH को यूज़ करेंगे तो हमें CH वेरिएबल का एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने मैसेज प्रिंट किया है, और जो भी कैरेक्टर यूज़र एंटर करता है उसे रीड किया है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें जो कैरेक्टर यूज़र एंटर किया है उसके हिसाब से ये बताना है कि उसने अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर किया है या फिर लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर किया है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे यूज़र जो इनपुट देता है उसके बारे में, वो क्या क्या एंटर कर सकता है। यहाँ पे नंबर वन, यूज़र एक अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर कर सकता है। नंबर टू, यूज़र एक लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर कर सकता है। नंबर थ्री, यूज़र कुछ और कैरेक्टर को एंटर कर सकता है जो एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर ही नहीं है। तो इन तीनों केस के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, और तीनों केस के लिए हम लोग एक अप्रोप्रिएट मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने अब पहले कहा था, हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके केसेस के वैल्यू के जगह एक रेंज ऑफ वैल्यू को स्पेसिफाई करके इस प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्विच कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट के लिए, उसके बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस को मैं इस तरह लिखूंगा। तो यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड हम लोग लिखेंगे वो इस स्विच स्टेटमेंट का बॉडी होगा। तो यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर मुझे
स्विच स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन वैल्यू को लिखना है। और यहाँ पे एक कंडीशन है, वो है कि इस स्विच स्टेटमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होने के बाद एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल्स को हम लोग इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब हम लोग कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं तो उन कैरेक्टर्स के ASCII वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमें केसेस को लिखना है। और यहाँ पे मेरा पहला केस जो है वो अगर यूज़र अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर करता है तो उसके लिए होगा। और जैसे मैंने अभी पहले कहा है, हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के केस के वैल्यू के जगह रेंज ऑफ वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले केस में मैं अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स जो है उनके लिए रेंज को स्पेसिफाई करूँगा। तो मुझे पहले यहाँ पे केस कीवर्ड को यूज़ करना है और बाद में मुझे मेरा जो रेंज है उसका लोवेस्ट पार्ट को लिखना है या फिर लोवेस्ट वैल्यू को लिखना है, जहाँ से रेंज शुरू होता है उसका पहले वैल्यू को लिखना है। और कैसे आप लोग स्विच स्टेटमेंट के केस वैल्यूज़ में एक कांस्टेंट वैल्यू के बजाय कैसे आप लोग रेंज को यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाया है और उस वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में सिखाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मेरा रेंज जहाँ से शुरू होता है उस वैल्यू को लिखना है। तो हमारा रेंज शुरू होता है कैपिटल ए से लेके। तो रेंज का पहला वैल्यू या फिर रेंज का शुरुआती वैल्यू को लिखने के बाद मुझे एक स्पेस देना है, उसके बाद 3 डॉट को ऐड करना है, फिर से मुझे एक स्पेस देना है और उसके बाद मुझे रेंज का आखिरी वैल्यू को लिखना है या फिर जहाँ पे मेरा रेंज ख़त्म होता है उस वैल्यू को लिखना है। यहाँ पे वो है कैपिटल Z। उसके बाद यहाँ पे मैं एक कॉलन को यूज़ करके जैसे हम लोग नॉर्मल केस के लिए स्टेटमेंट्स को लिखते हैं उन्हें राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेंज जो है ये कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक रहेगा, मतलब है कि ये सारा अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को मैच करेगा। यहाँ पे जब हम लोग इन कैरेक्टर को इस तरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इनके ASCII वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है। कैपिटल ये जो है इसका ASCII वैल्यू डेसिमल में 65 है, उसी तरह कैपिटल B जो है उसका ASCII वैल्यू 66 है, कैपिटल C जो है उसका ASCII वैल्यू 67 है, इसी तरह एक कंटिन्यूस ऑर्डर में है। और ये आगे आके आके कैपिटल Z जो है उसका ASCII वैल्यू बनता है 90। तो ये रेंज जो है ये डेसिमल वैल्यू 65 टू 90 है, उसके बीच में जो सारा वैल्यूज है उन्हें ये रेंज मैच करेगा, मतलब है कि कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक के वैल्यूज तक ये मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूज़र जो कैरेक्टर एंटर करता है वो अगर इस रेंज के अंदर आता है, मतलब अगर वो एक अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा इस printf फंक्शन को यूज़ करके कि %C इज इन अपर केस। आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग एक कुछ और मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को %C हमने जो यूज़ किया है प्लेस होल्डर, उसके लिए CH वेरिएबल को यहाँ पे रेफर करना है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर यूज़र ने कैपिटल Z को एंटर किया है तो ये कहता है कि कैपिटल Z इज़ इन अपर केस। यहाँ पे अगर यूज़र ने अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर किया है तो हम लोग बस इस मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और नहीं करना चाहता हूँ, उसकी वजह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट होने के बाद मैं ब्रेक को यूज़ करूँगा ताकि हम लोग इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर के कुछ और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, हम लोग डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट से बाहर आके कुछ और स्टेटमेंट जो है उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्रेक यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो केस लिखा है ये अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स के लिए है, इसी तरह हम लोगों को लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स के लिए भी एक केस को लिखना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टेटमेंट्स को कॉपी करूँगा और नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स के लिए इन्हें चेंज करना है, लोअर केस A से लेके लोअर केस Z तक। और ये जो है ये सारा लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स को ये रेंज जो है ये कवर करता है।
लोअर केस ए जो है इसका ASCII वैल्यू है 97, लोअर केस बी जो है उसका ASCII वैल्यू है 98, लोअर केस सी जो है उसका ASCII वैल्यू 99 है। इसी तरह ये कंटिन्यू होके लोअर केस जेड जो है उसका ASCII वैल्यू है 122। तो ये रेंज जो है ये अगर हम लोग डेसिमल में कहेंगे तो 97 से लेके 122 तक का रेंज है, जो लोअर केस ये से लेके लोअर केस जेड तक के जो कैरेक्टर्स है उनका डेसिमल में ASCII वैल्यूज है। ठीक है, अगर यहाँ पे यूज़र जो कैरेक्टर एंटर करता है वो इस लोअर केस के रेंज में मैच हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे परसेंटेज सी इज इन लोअर केस। ठीक है, तो अभी हमने अगर यूज़र अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर किया है तो उसके लिए मैसेज लिखा है, लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर किया है तो उसके लिए भी एक मैसेज लिखा है। तो अगर यूज़र एक नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर करता है तो उसके लिए क्या करें? यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में आपको पता है कि अगर स्विच का एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू इवैल्यूएट होता है वो वैल्यू, अगर वो वैल्यू किसी भी केस के वैल्यू से मैच नहीं हो जाता है और अगर इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट केस है तो डिफ़ॉल्ट केस के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर यूज़र ने एक कैरेक्टर को एंटर किया है, अगर वो अपर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर नहीं है और वो लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर भी नहीं है, उसका मतलब है कि वो एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफ़ॉल्ट केस को यूज़ करके उस मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट केस को यूज़ करूँगा और मैसेज के लिए मैं प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैं कहूँगा प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेट, बस काफ़ी है। आप लोग यहाँ पे कुछ और मैसेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ये स्विच स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट है। इसे अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसके बाद ऑब्वियसली कुछ और स्टेटमेंट नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट के अंदर, तो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आके जो स्टेटमेंट से वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखना है, वो है कि स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते वक्त आपके जो लास्ट केस है उनके लिए स्टेटमेंट्स को राइट करने के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने इस प्रोग्राम को लिखा है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और इसे बिल्ड एंड रन करूँगा और ये कहता है कि प्लीज़ एंटर एन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। इस बार मैं एंटर करूँगा कैपिटल डी को, मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन को यूज़ प्रेस करके डी के ऊपर प्रेस करता हूँ तो कैपिटल डी आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा मेरे कीबोर्ड पे, तो ये कहता है कि कैपिटल डी जो मैंने एंटर किया है वो इज़ इन अपर केस। ठीक है, इसे मैं क्लोज़ करूँगा, फिर से मैं बिल्ड और यहाँ पे रन करूँगा। इस बार मैं एक लोअर केस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल टी, और अगर मैं अभी एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो ये कहता है कि टी इज़ इन लोअर केस। ठीक है, इसे मैं क्लोज़ करूँगा, फिर से रन करूँगा। इस बार मैं एक नंबर को एंटर करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 4, और अगर मैं अभी इस एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो ये कहता है कि प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर नहीं है, प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये मैसेज जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट केस में जो हमने मैसेज लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो इसे मैं क्लोज़ करूँगा, फिर से मैं रन करूँगा और इस बार मैं एक सिंबल को एंटर करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर सिंबल, और अगर मैं यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करता है तो ये कहता है कि प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम यूज़र से एक अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर करने के लिए पूछता है। अगर यूज़र ने अपर केस अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर किया है तो वो कहता है कि आपने जो कैरेक्टर एंटर किया है वो अपर केस है, अगर आप यूज़र ने लोअर केस अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को एंटर किया है तो प्रोग्राम कहता है कि उसने जो एंटर किया है अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर वो लोअर केस में है, और अगर यूज़र कुछ और कैरेक्टर को एंटर करता है जो एक अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर नहीं है तो ये कहता है कि प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम ठीक से वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके लिखा है, आप लोग इसको सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस में भी आप लोग इस तरह
स्विच स्टेटमेंट के केस की वैल्यूज़ के जगह रेंज ऑफ वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस प्रोग्राम को C++ में लिखना है तो आप लोग यहाँ पे इस प्रिंट ऑफ फंक्शन को चेंज करके सी आउट कीजिए, स्कैन ऑफ फंक्शन को चेंज करके सी इन कीजिए, और उसके बाद आप लोग जो चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, वो सब कीजिए, आपका प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग इस प्रॉब्लम के लिए बहुत तरीके से प्रोग्राम को लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और आपका जो भी ओपिनियन है उसे कमेंट कीजिए। और इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर मिलूंगा। थैंक यू।